सर गुड मॉर्निंग। लिखो ला ली आजा ला 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 ली ली ली। मथुरा का प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर दक्षिण किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। संस्कारों के साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लासों के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे भी खूब आनंद लेकर स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ते नजर आते हैं। अब जरा गौर से सुनिए इस बच्चे को। नोट आपका कौन सी क्लास में है वो? अच्छा ये बताओ पोएम आती है आपको? पोएम सुनाओ। स्कूल में ये LED लगी हुई है, आप पढ़ते हैं इससे? मज़ा आता है पढ़ने में? पढ़ते हैं। अच्छा क्या क्या पढ़ाते हैं TV से? मन लगता है आपको पढ़ने में? स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल से कम ना आंका जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी पूरी तरह से माहिर हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ने के साथ साथ संस्कृति के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। यहाँ जब आप सुबह पहुँचेंगे तो बच्चे हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हुए सुनाई देंगे। स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों के मानसिक रूप को मजबूत किया जा रहा है, या यूं कहें कि सरकारी स्कूल केवल नाम के लिए है। यहाँ सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं हैं। अब गौर से सुनिए इस बच्चे को। 13 का पहाड़ा आता है? 13 का पहाड़ा सुनाओ। 13 छात्रों की 13 और 14 की टेबल को सुनकर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि फर्राटेदार टेबल सुनाते यह बच्चे देश का भविष्य हैं। प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर दक्षिण की टीचर भी कम नहीं हैं। यहाँ बच्चों को बड़ी जदोजहद के साथ पढ़ाती दिखाई देती हैं, और यहाँ बच्चे खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे पढ़ते हुए बहुत ही खुश नज़र आते हैं, क्योंकि पेड़ों का जो वातावरण है और शुद्ध वायु है बच्चों के दिमाग को एकदम ठंडा रखती है। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जितनी मेहनत ये टीचर कर रहे हैं उतना शायद कॉन्वेंट स्कूल के टीचर भी इतनी मेहनत नहीं करते होंगे। बच्चों को जनरल नॉलेज का ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बैनर भी लगाए गए हैं, ताकि बच्चों को ये ज्ञात रहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। खेत है उसकी एक लंबाई है 10 और चौड़ाई बराबर होती है, और आयत का प्रमाण क्या होता है? आयत का प्रमाण बराबर होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई। आयत होता है जिसके आपस में भुजा बराबर हो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा आयत। और वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं 1 बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये वर्ग, और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। अगर एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 10 विद्यालय की दशा बदलने के लिए
पूरा योगदान रहा है यहाँ के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह का। विद्यालय की कायाकल्प का श्रेय इन्हें ही जाता है। अधिकारी भी इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। दूसरे विद्यालय भी इनसे प्रेरणा लेने आते रहते हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर दक्षिण का प्रधानाध्यापक। अब ये तो अपने कैसे प्रधानाध्यापक मैनेज करता है उसके ऊपर निर्भर है। जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो सभी जगह हो सकती हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। लोगों के जहन में सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही एक अलग ही छवि होती है, लेकिन यहाँ जब मैंने आके देखा है यहाँ की विद्यालय की जो स्थिति है वो लाइक कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर इसको आपने डेवलप किया है, क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को लेके? अब इसमें कहना कुछ नहीं है, कहना इतना ही है कि अगर सभी अध्यापक इस कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है मेरी कोशिश कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जैसा मेरा है, उन्होंने कोशिश की तो वो भी ऐसे हुए। सुरक्षा सभी तरह की है यहाँ, जैसे विद्यालय जंगल में स्थित है तो यहाँ कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, उसके लिए मैं हफ्ते में कम से कम दो बार कीटनाशक का छिड़काव करता रहता हूँ कि कोई सांप बिच्छू वगैरह यहाँ ना आ पाए। बाकी यहाँ सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग अच्छी है, सभी इंतजाम है फुल फ्लैश। अगर बच्चे को किसी को तकलीफ हो जाती है विद्यालय में तो यहाँ फर्स्ट एड का भी इंतजाम रहता है। जब यहाँ पे हम दिन में कम से कम 6-7 घंटे रहते हैं तो गंदी जगह पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा। अगर वो कोई पसंद करता है तो उसकी आदत होगी, मुझे पसंद नहीं, चाहे खुद मेहनत करके करना पड़े। सर, विद्यालय में बच्चों के स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ कितनी होगी? विद्यालय में 74 बच्चे हैं और 74 में से आज की तारीख में 56 बच्चे उपस्थित हैं और उपस्थिति का एवरेज लगभग यही रहता है। बच्चों को साथ लेकर के खुद ही करता हूँ जितना हो सकता है। वो उन्होंने अपनी मानसिकता बना रखी है ऐसी। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि वो बच्चों के प्रति उदासीन है, उन्हें यथास्थिति मालूम ही नहीं है कि सरकारी स्कूलों में कितना परिवर्तन हुआ है और वो बिल्कुल जानना ही नहीं चाहते सरकारी स्कूल में, इतना इरिटेट हो चुके हैं विद्यालय सरकारी स्कूल, जबकि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है, सब कुछ बदल चुका है।